नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस समयावधि में आपके जीवन काल में कैसी परिस्थितियों का निर्माण होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आपकी राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अक्टूबर महीने से पिछले समय अंतराल में आपके जीवनकाल में कैसी घटनाएं घटित हुई है, किन परिस्थितियों का सामना आपने किए हैं और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा और कौन कौन सी घटनाएँ आपके जीवनकाल पर घटित होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पिछले समय की आपकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय अंतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है, अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है, आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएँ घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है, यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं
कि आपके जीवन में जो आप करना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कौन बुराइयाँ करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है और आप आगे जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय अवधि में आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। इस तीन महीने के समय अंतराल में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है, वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों, आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ समय से जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, दोस्तों यश में उन कार्यों के पूर्ण होने की उचित समय आ गया है। दोस्तों, यश में आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। दोस्तों, आपको यश में अपने ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे दोस्तों, आप सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम रहेंगे और अच्छी सफलताओं को, अच्छी कामयाबी को यश में हासिल करने वाले। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष संभाल कर इन्हें रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें खोने या फिर चोरी होने की आशंका लग रही है। आपको बता दें कि भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई भी पेमेंट भी रुकने से आपके मन में कुछ परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके दौरान दोस्तों, यश में आपको किसी के भी द्वारा सहयोग न मिल पाने की वजह से उदासीनता का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिर भी आप खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखकर आत्मनिर्भर बनना आपको यश में सीखना होगा, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय की आपको बता दें कि दोस्तों, आपने अपने कार्य करने की प्रणाली में जो परिवर्तन किया है, वो आपके लिए यश में लाभदायक रहेंगे और अधिकतर समय भारी गतिविधियों में भी आपका व्यतीत होगा। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को यश में आप संपन्न कर सकते हैं, अवश्य ही मन मुताबिक आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में पुराने कुछ नकारात्मक बातें उठने से निकट संबंधियों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको शांति और धैर्य रखना समस्याओं को सुलझाएगा, समस्याओं का हल होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको बता दें कि घर में जो सुधार संबंधी योजनाएं बन रही थी, दोस्तों अभी उन पर पुनर्विचार आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इन पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर में हो रहे विवादों की जानकारी बाहर की व्यक्तियों को देने से परहेज रखें। दोस्तों, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जरूरत से अधिक बात मित्रों के साथ बांटने की वजह से आपके बारे में उनकी राय यश में गलत बन रही है, इसलिए दोस्तों व्यक्ति को परख कर अपनी बातों को बताने की यश में आपको आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में कार्यों की अधिकता आपके ऊपर रहेगी और उन्हें एकाग्रचित होकर
पूरा करने में का आपको इसमें प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके शुभ परिणाम आपको हासिल होंगे, कोई लाभदायक नदी की यात्रा भी इसमें संभव होने वाली है। आपको बता दें कि यश में कोई भी कार्य करने से पहले अपना बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इन पर ध्यान दें, इनसे आप आर्थिक दिक्कतों से बच पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यश में कार्यों पर अधिक सोच विचार करने के बजाय आपको समय को व्यर्थ ना करके उन पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों यश में निकट संबंधी से खास होने से कुछ मन में परेशानी भी रह सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता व फिर कार्य प्रणाली पर भी पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके यश में होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके सभी मनोकामनाएं यश में पूरी भी होंगी, अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। दोस्तों जो भी आप पहले कार्य किए थे उनका इसमें बड़ा फायदा आपको मिल सकता है, व्यापार में इसमें बहुत बड़ा मुनाफा इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही बता दें कि युवाओं को अपने क्षेत्र में आसानी से यश की प्राप्ति भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आप लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान की शिक्षा व फिर करियर से संबंधित चल रही किसी समस्या का समाधान भी मिलने से सुकून व फिर राहत मिलेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान केंद्रित भी इससे कर पाएंगे। घर में धार्मिक कार्य भी संपन्न होने हेतु योजना भी बनेगी, समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो है वह की स्थितियां ज़्यादा बन रही है, अनावश्यक खर्चे पर आपको यश में नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आपकी जल्दबाजी या फिर टोका टोकी घर के माहौल को अस्त व्यस्त रख सकती है। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, अपने इस स्वभाव को बदलने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं दोस्तों वे सुचारू रूप से ठीक समय पर संपन्न हो जाएंगे, सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। मीडिया तथा कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियाँ बन रही है, इनमें आपको अच्छी कामयाबी भी हासिल होंगी। नौकरी में टारगेट पूरा होने से बॉस व फिर अधिकारी भी इसमें आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई अच्छी पद प्राप्ति की संभावना भी हो रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कर्मचारियों के काम लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी लापरवाही नुकसानदेह आपके लिए रह सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी उनसे आपको काम है तो उनसे अपने मोहरे पर संयम रखकर ही उनसे बात करें, सलाह तरीके से ही बात करें, इनसे आप उनसे सलाह भी ले पाएंगे और उनसे संबंध भी आपका बेहतर रहेगा। नौकरी में भी किसी टारगेट को पूरा करने से आपका मान सम्मान और आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में सभी निर्णय स्वयं ही लें, दूसरों पर आपको अधिक विश्वास में करना और सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक भी रह सकता है, इस बात पर भी आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों बता दें कि कारखाने व फिर मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में भी कार्यभार की अधिकता रहने की वजह से आपको ओवर टाइम भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों से किसी प्रकार की बात विवाद की स्थिति भी उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। और यश में मीडिया व फिर फोन द्वारा आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पति पत्नी अपने अपने कार्य में इसमें व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास व फिर आपसे सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाकर रखेगा। तो दोस्तों इन पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन साथी पर इसमें आपको विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों आपके जीवन साथी के लिए जिसमें होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी व फिर पारिवारिक लोगों के साथ प्रेम जो है माधुरी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गुस्से की वजह से भावनात्मक दूरियां भी आ सकती है, तो इनका आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें, ये आपके प्रेम जीवन के लिए इसमें बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तथा अपने व्यवहार को सीमित रखें। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में अवश्य व्यतीत करें, दोस्तों इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए आपको कुछ समय परिवारजनों के साथ मनोरंजन व फिर इनके इनसे संबंधित कार्यों में समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही आपसे संबंधों में भी मधुरता बनी रहेंगी, तो इन पर भी ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों
दोस्तों स्वास्थ्य इसमें आपका ठीक रहेगा। कभी कभी अत्यधिक थकान की वजह से पैरों में दर्द व फिर थकान की स्थिति रह सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको बचाव करना चाहिए। काम के साथ साथ आपको आराम भी इसमें करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं के नियमों का पालन भी करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि नकारात्मक विचारों की वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है, स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।